हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल का आइकॉन है उसे भी प्रेस कीजिए ताकि जब भी कोई सतगुरुदेव की सत्संग वीडियो अपलोड हो तो आपको मिले सबसे पहले। सर नमस्कार। सर सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम पारेश्वर दास है, मैं उत्तराखंड टेरे से हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर संत रामपाल जी महाराज से मैंने 2008 में नाम लिया। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या क्या भक्ति साधनाएं करते थे? हाँ, भक्ति साधना करते थे ब्रह्मा विष्णु महेश बजरंगबली दुर्गा माता और बद्रीनाथ भी गया था, केदारनाथ भी गया था, वैष्णो देवी भी गया था। हरिद्वार में हमारा नॉर्मल आना जाना है, हरिद्वार में भी कई बार जब प्रोग्राम होता तब नहाने के लिए जाते, संक्रांति को कोई जन्माष्टमी को या पंचमी को हम हरिद्वार में नहाने के लिए जाते थे। सर आप ब्रह्मा विष्णु शिव जी की भक्ति करते थे, तीर्थों का आपने नाम गिनवाया केदारनाथ बद्रीनाथ, वहाँ पे गए, हरिद्वार आपका नॉर्मली आना जाना था, तो सर फिर इन भक्ति साधनाओं से आपको क्या क्या लाभ हुए? सर इन भक्ति से कुछ लाभ नहीं हुआ सर, रोड़ा ही पे रोड़ा, दुख पे दुख, पहाड़ टूटते रहे मेरे ऊपर। बहुत बचपन से मैंने जब तक हमने मतलब सोच समझ मतलब होश में आए तभी हमारे यहाँ तो यही देवी देवताओं की पूजा करते हैं, तीर्थों में जाते हैं और यही भक्ति करते थे, इससे हमें कोई भी लाभ नहीं हुआ। मेरा तो एक 1.5 साल का बच्चा हंसते खेलते खेलते गया, बाकी 2 बच्चे थे, एक तो पेट से ही चला गया, दूसरा होते हुए वो भी चला गया, उसको भी कोई तकलीफ नहीं थी। तो हम इसलिए देवी देवताओं की भक्ति करते थे पर हमें कोई भी लाभ नहीं हुआ। उसके बाद बेटा मेरा 2.5 साल का ऐसे हंसते खेलते चला गया और बहुत दुख उठाया था, मेरे कोई लाभ नहीं हुआ। मेरे सिर दर्द में होता 84 से मेरा सिर दर्द बहुत होता था, मैं ये दिल करता था कि कोई मेरे सिर में हथौड़ा मार दे या सिर को फाड़ दे। देवी देवताओं की पूजा इतनी की, धूप बत्ती रात दिन चलाता रहा परंतु मेरे को कोई लाभ नहीं हुआ, इस भक्ति से मेरे को कोई फायदा नहीं हुआ। और भूत प्रेत जो है वो ऐसे ही सता नचाते थे, मेरी फैमिली को तो कई 2-3 बार भूत ने ऐसे नचाए कि जंगल में जाके भाग जाती थी। फिर हमने कहीं जगह दिखाया तो कभी कुछ बोलता है कभी कुछ बोलता है, तब फिर पंडितों को बुलाया, पंडितों ने झाड़ा तोड़ा क्या तो वो तो भाग गया, फिर उसके बाद फिर पकड़ा फिर चला गया। तो ऐसे ऐसे करके इनसे कोई फायदा नहीं हुआ देवी देवताओं की पूजा करने से। सर आपने बताया कि आप देवी देवताओं की पूजा करते थे लेकिन आप बहुत ज्यादा परेशान थे, आपके सिर में दर्द था, आपके 1.5 साल के बच्चे की मृत्यु आपकी आंखों के सामने हो गई, उसके अलावा आपकी फैमिली को भूत प्रेत की बाधा ने भी सता रखा था, तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? सर संत रामपाल जी की शरण में मैं 2008 में आया था, मुझे भक्ति सौदागर की संदेश की एक किताब ये विजय भगत ने दी थी, मैं सिक्योरिटी में सर्विस करता था, वो मेरे साथ बिजली का काम करता था, तो उसको जो हमारी कंडीशन मेरी लड़की की कंडीशन पता थी क्योंकि मैं उनके साथ ड्यूटी करता था, तो लड़की मेरी कभी कहीं भाग जाती थी कभी कहीं भाग जाती थी, कभी किसी के कपड़े फाड़ना था तो मैं ड्यूटी से मतलब कभी तो एब्सेंट हो जाता था, कभी ड्यूटी से मैं उनको बोल करके निकल जाता था कि ऐसे ऐसे मेरे को तकलीफ है। तो भक्त विजय ने मेरे को बताया कि मैंने नाम ना लिखा है बरवाला से, संत रामपाल जी से मैंने नाम दान लिया है और वहाँ ऐसे जाओ और ऐसे ऐसी बात है और ऐसी लड़की आपकी ठीक हो जाएगी। तो भक्त जी मैंने उसको आधा घंटा सिर्फ पढ़ा, मैंने आओ नहीं देखा ताओ नहीं देखा, तो मैं उनके पास गया, फिर दोबारा शाम को मैं उनसे मिला, उन्होंने बोला कि भक्त जी हम जाएंगे इतवार को सुबह यहाँ से निकलेंगे, इतवार को सत्संग है, मेरी भी छुट्टी है और आप चलना। तो 5 आदमी ने मेरी लड़की को पकड़ के भगत जी बड़ी मुश्किल से हम लेट बरवाला गए दौलत रोड में और वहाँ उस टाइम सत्संग चल रहा था। अब सत्संग के दौरान जो है लड़की जो मेरी है भी थी 5 आदमी ने पकड़ रखा था उसको, तो उसको थोड़ा सा गेट पे ही थोड़ा कुछ मेरे को महसूस हो गया कि यहाँ कोई शक्ति है। तब तक तो मेरे को कुछ पता नहीं था कि यहाँ परमात्मा है या कौन है या सत्संग चल रहा है, जैसे हमने सत्संग का नाम सुना भी नहीं था कभी, मैंने इसे अटेंड भी नहीं किया था। पर जब संत रामपाल जी महाराज के सामने गए आशीर्वाद लिया तो सर जी मैं आपको बताऊं क्या बोलूं, मैं तो रोना तो दिल के अंदर आ रहा है, बाहर तो थोड़ा मुश्किल पड़ रहा है क्योंकि मेरी लड़की एकदम थोड़ा सा एकदम शांत हो गई, बिल्कुल शांत हो गई और सबके साथ बात करने लगी, मम्मी बोलने लगी, जबकि मेरे को वो गाली देती थी बुरी सत्य, मेरे को पकड़ती थी अपनी मम्मी की चूड़ी तोड़ती थी और जो उसके साथ पकड़ने वाले बंदे थे उनके कपड़े कुपड़े फाड़ देती थी, परंतु मात्र संत रामपाल जी महाराज की आशीर्वाद से वो बिल्कुल वहां पर शांत हो गई। फिर भगत जी शांत हो गई, हमने तीनों ने नाम लिया, नाम दान लिया, भंडारा खाया और भंडारा खा के हम अपने घर वापस आए। जैसे ही आश्रम में आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में पहुंचे तो आपकी बेटी के अंदर से एकदम भूत भाग गया और आपकी बेटी को आराम महसूस हुआ, तो आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो क्या नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और भी लाभ प्राप्त हुए? हाँ सर, लाभ प्राप्त हुआ। मैं फिर ये बीच में मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था, पर आपको यकीन होगा मैं गाड़ी के नीचे आ गया था, ये जो रोडवेज की बस है
उस टाइम जो रोडवेज की दूसरी बस चल रही थी उसके अंदर ऐसे आ गया था, पर परमात्मा की दया से बस मेरी यहां से एकदम क्रॉस हो गई, पर मैं वहीं पर खड़ा का खड़ा रह गया, ना तो मैं गिरा, इधर से ट्रैफिक था, इधर से ट्रैफिक था और बस मेरे से आगे निकल गया, आगे भी ट्रैफिक था और पीछे से दो गाड़ी आ रही, तो मैं बीच में फंस गया था। तो संत रामपाल जी की इतनी महान कृपा है कि मेरी जिंदगी दोबारा परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने बख्शिश मेरे को, मेरी उम्र वहां पर बढ़ा दी है। जल्दी जल्दी में जो है मैं कई बार मेरे सब एक्सीडेंट के चक्कर ऐसे हुए कि परमात्मा ने मेरे को बल पल के एक मिनट में मेरे को ऐसे कहीं पर मेरे खरोच भी नहीं आती है कहीं पर, अभी तक मेरा ऐसा वो है मेरे साथ, परमात्मा की दया है। 1984 से जो मेरे सिरदर्द होता था, तो जब से मैं संत रामपाल जी की शरण में आया, नाम दान लिया, उस टाइम से मेरे को आज तक कोई न सिरदर्द है ना कोई और कोई ऐसी तकलीफ है और मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। जब से मैंने संत रामपाल जी से दीक्षा ली है, उस टाइम से मेरे घर में जो भूत प्रेत की बाधा थी मेरी फैमिली के ऊपर थी, मेरी बच्चों को अटैक करता था, रात को बहुत परेशानी होती थी, वो अभी बिल्कुल नहीं है, सब समाप्त हो गया है, अब हम बिल्कुल स्वस्थ हैं सर और ठीक है। सर जी कुछ ऐसे चमत्कार हुआ परमात्मा का संत रामपाल जी महाराज का कि मैंने 1000 का नोट जो है वो ऐसे आपस में थोड़ा परिवार के अंदर हो गया इधर उधर, मैंने उसको बोला नहीं चाहिए, उन्होंने बोला दे दो, तो मैंने अपने हाथ में छीला, उन्होंने तो एक टुकड़ा उनके पास चला गया, एक टुकड़ा में उसके दो पीस हो गए, अब दो पीस हो गए तो मैं फिर थोड़ा सा ऐसे नाराज होकर के रख दिया परमात्मा की उसमें रख दिया, ये बंदी छोड़ ये कैसे नुकसान हुआ मेरा। तो जब सवेरे उठा मैंने जोत जलाई सर जी, तो वो 1000 रुपए का नोट जो है परमात्मा की जो फोटो है उसके साइड में बिल्कुल नया नोट 1000 का मेरे को बिल्कुल साबुत मिला। फिर मैंने सबको दिखाया जो मेरे आस पड़ोस में है कि मेरे परमात्मा ने ये नोट जो है मुझे ऐसे ऐसे करके ऐसे दिया है, ये मेरे को मेरे साथ चमत्कार हुआ परमात्मा संत रामपाल जी महाराज का। तो सर आपने बताया कि संत रामपाल जी की दया से आपके सिर का दर्द ठीक हो गया, आपकी बेटी की भूत प्रेत की बाधा ठीक हो गई और आपके परिवार की जो भूत प्रेत की बाधा थी वो भी ठीक हो गई और भी अन्य लाभ आपके साथ हुए, तो जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? सर संदेश तो संत रामपाल जी गुरु महाराज का है, हम तो सिर्फ हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि जो भी मेरे भाई बहन बहन बेटी माँ इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे वो जो है संत रामपाल जी की शरण में आओ, जो कि ये पूरा ज्ञान है ब्रह्मा विष्णु महेश, ये कोई भगवान नहीं है, ये देवी देवताओं में इनका जन्म मरण होता है और इन्हीं हम इन्हीं की पूजा में रमे हुए हैं, तो ये ज्ञान जो है आपको विश्व के अंदर सारा एक संत रामपाल जी के अलावा और किसी के पास नहीं है। आप जल्दी से जल्दी शीघ्रता से शीघ्र ज्यादा से मैं उत्तराखंड वासियों को ये संदेश देना चाहता हूँ परमात्मा की दया से परमात्मा की कृपा से, और ये मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ अपने भाई बंधुओं से उत्तराखंड के वासियों से कि हमारे जो पत्थर पूजा है देवी देवताओं की पूजा है पितरों की पूजा जो पूज लिया वो आपने पूज लिया, अभी आगे गलती मत करो, पर संत रामपाल जी की शरण में आओ, पहले ज्ञान समझो टीवी के चैनल के ऊपर आता है, किताबें ज्ञान गंगा है, आप इनको पढ़ो और ज्ञान समझो और संत रामपाल जी की शरण में आकर के बरवाला में और अपना कल्याण कराओ। धन्यवाद सर। सत साहब।